नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप मोटो G64 5G मोबाइल में लैंग्वेज को कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि भाषा को कैसे बदल सकते हैं। तो लैंग्वेज चेंज करने के लिए सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग को ओपन करिए, उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आइए। तो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सिस्टम, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद लैंग्वेज पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ रहा है, तो सिस्टम लैंग्वेज पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए तो काफ़ी सारी लैंग्वेज आपको मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज यहाँ पर नहीं मिल रही तो आपको ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करना है, और यहाँ से जो भी आपकी लैंग्वेज है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी लैंग्वेज। अब यहाँ पर सेट करने के लिए, जैसे कि मैं हिंदी को करना चाहता हूँ, तो इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है और ऊपर की तरफ स्लाइड कर देना है। सबसे ऊपर जिस भी लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर दोगे वो लैंग्वेज आपकी चेंज हो जाएगी। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैं हिंदी को कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर चेंज का ऑप्शन आ चुका है। चेंज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हिंदी में हो चुका है, यानी कि पूरा फोन ही मेरा हिंदी में आ चुका है। तो इस तरीके से आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं।